हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीस रिव्यूज। इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, उसके बारे में रिव्यू करने वाला हूं। तो रिव्यू से ज्यादा मैं ये बताना आप लोगों से चाहता हूं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, मेन इम्पोर्टेंस क्या है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, ओके। और इसकी कैसे आपको यूज करना है, स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करना है, वो भी हमें बताने वाला हूँ। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का क्या लाइक रोल है आपका यूपीएससी प्रिपरेशन है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं एक प्रिलिमिनरी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक बुक है उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ, ओके। मेन्स का जो 3 इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर एसए का सोल्ड पेपर्स, कंपल्सरी पेपर्स जो रहते हैं उसके बारे में भी, और मेन्स का जो पेपर 1-4 का भी, जो प्रीवियस ईयर सोल्ड क्वेश्चन पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है आपका प्रिपरेशन में बताना है। उससे पहले एक अनाउंसमेंट, इस वीडियो का फोकस मैंने जो आपको बुक के बारे में बताने वाले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस के बारे में बताने वाला है। तो इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट एक क्लास आपको एक बुक का मैंने बताने वाला हूँ, बट एक्चुअल लोग जो टीचर्स आपको इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कार्निवल होने वाला है फॉर यूपीएससी सीएससी, एंड उसका ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी इसके साथ आपको फ्री में मिलने वाला है, ओके। तो हम देखते हैं, एब्सोल्युटली आपको फ्री 50 स्पेशल क्लासेस 2013 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एनालिसिस आपको मिलने वाला है। तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस एंड ऑप्शनल्स का भी इसमें कवर होता है। ऑप्शनल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कोई भी बुक नहीं मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, बट यहाँ पे आपको फ्री में एक अच्छा टॉप एजुकेटर्स का थ्रू मिल रहा है, एंड आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर ऑल सेशंस, स्टडी मटेरियल भी आपको मिल रहा है। ये नॉन स्टॉप क्लासेस है, तो आप देखते हैं एक्चुअली ज्योग्राफी के लिए देखो, जो पॉपुलर एजुकेटर्स हैं उन लोगों का क्लास आपको मिलने वाला है, टाइमिंग भी दिया है। आप कैसे एक्सेस करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से आप लिंक क्लिक करके अन अकेडमी का लर्निंग आप डाउनलोड कर लो, एंड बिल्कुल आप फ्री में ये चीज़ वॉच कर सकते हैं, ओके। तो ज्योग्राफी के लिए जो टॉप एजुकेटर्स है आप देख सकते हैं कौन सा टाइमिंग है, ओके। और इंडियन हिस्ट्री के लिए भी जो प्रीवियस ईयर 2013 का बताने वाला है, जो टॉप एजुकेटर्स है आप बताया, आरती चौधरी, संजीव एंड ऑल, एंड इंडियन पॉलिटी का जो इंपॉर्टेंट टीचर्स, ओके, दीपिका रेड्डी मैम इज देयर एक्चुअली, दैट इज वन थिंग। एंड एनवायरमेंट के लिए भी जो टॉप एजुकेटर्स का क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, एंड स्टडी मटेरियल भी आपको मिलने वाला है, ओके। इकोनॉमिक का भी एजुकेटर्स आप ऑलरेडी इसमें देख चुका हूँ, और करंट अफेयर्स का एंड स्ट्रैटेजी भी बता रहे हैं। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एटीट्यूड का जो सरकार क्लास आपको मिलेगा, ऑप्शनल का भी, ये दोनों लोगों ने भी इसका डिस्कशन आपसे करने वाला है, ओके ओके। तो ये एक्सेस करना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक क्लिक कर लो, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ओके। एंड आप प्लस जो सब्सक्रिप्शन है अन अकाडमी का, वन स्टॉप प्लेस है, तो आप पूरा ऑप्शनल, सीसैट, जीएस, एवरीथिंग यू कैन कवर थ्रू वन सब्सक्रिप्शन। वो है अन अकाडमी की जो प्लस सब्सक्रिप्शन में, वो आप कोड अभिराम YT10 आप यूज़ किया तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है, ओके। तो ये इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से जाके आप आराम से ये सब चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट एक्चुअली, तो क्यों आपको यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले भी आप कोई भी इंजीनियरिंग किया होगा, नॉर्मल आर्ट्स किया होगा, तो वो सब चीज़ में आपने एक चीज़ देखा होगा, जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब सेलेक्ट करके पढ़ते हैं ना, जितना टाइम ज़्यादा बचा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हैं, और मोर देन 70% 80% जो स्कोर आप आराम से कर सकते हैं एक्चुअली। तो मैंने भी चीज यूज़ किया है और मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा था, रादर देन पूरा बुक पढ़ते जाने से अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, जो रिपीट होने का चांसेस है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप पूछेगा रिपीट होने का चांसेस कैसे आ सकता है, तो मैं एक जो ये जो पॉपुलर बुक है इसका एक ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बताता हूँ एक्चुअली, ओके। सपोज आप ये देखा तो पता चल जाएगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा, कौन सा जो क्वेश्चन ज़्यादा आ गया करके, ओके। अब आप 2019 का देखा तो जो कोई इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम्स और ऑर्गेनाइजेशन से 28 क्वेश्चन आ गया है, तो आप सोचो आप इकोनॉमी बिल्कुल पढ़ाई मतलब थोड़ा टफ लगते हैं तो आप अवॉइड करके बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़े, तो अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ओके। तो आप देख लेना, जो पॉलिटी से हमेशा एक ऑन एन एवरेज 14-15 क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली, तो जो जो चीज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए उसमें आपको देना चाहिए। सपोज आप जाके जो एंशेंट लाइक हिस्ट्री एंड कल्चर में हमेशा एक देखो लाइक 21-15 मतलब उसके हिसाब से स्कोर आते हैं, तो आप ज़्यादातर
टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फोकस करूंगा या आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में फोकस करूंगा, ये आपके लिए इतना यूजफुल नहीं रहेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक ट्रेंड बताते हैं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये वाला बुक है दिशा पब्लिकेशंस का, ये काफ़ी पॉपुलर है। ये जो बुक्स वगैरह उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप खरीदो वो सब चीज़, बट ये आप यूपीसी प्रिपरेशन के लिए, अब जैसे जो लक्ष्मीकांत खरीदते हैं या बाकी स्पेक्ट्रम खरीदते हैं, उतना इम्पोर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। और उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, इसमें आपको सारा सब्जेक्ट है ना जो प्रीलिम्स का, उसका जो पिछला 25 साल का जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन दिया है, उसके बाद उसका इनमें सॉल्यूशन दिया है। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दिया आप देखा तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो आपको पढ़ाई करने के लिए भी ये जो सिंगल पॉइंट ऑफ जो चीज़ है काफ़ी यूजफुल रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर ढंग से पढ़ते हैं तो आप 5-10 साल का आपको 15 से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है एक्चुअली। ओके, वो तो आप जैसे वेरीफाई करने के टाइम पता चल जाएगा। काफ़ी सारा टॉपर भी ये बातें बताया है। और एक दूसरा बुक है मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मेंस में क्वेश्चन कैसे आता है इसमें भी आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखेगा कौन सा एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और आपको एक वर्ड लिमिट में इन लोगों ने लिखा है ऑलरेडी, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो सबसे बड़ा दिक्कत हमारा क्या होता है यार मेंस के लिए कैसे पढ़ाई करना है। तो मेंस के लिए पढ़ाई करने के लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कैसे आंसर विद इन वर्ड लिमिट लिखना है, कितना टाइम का अंदर करना है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए एक्चुअली। ओके, तो वो सब चीज़ आप उसके लिए ये जो बुक प्रीवियस 7 ईयर्स का ये बुक पेपर 1-4 आपको एथिक्स इंटेग्रिटी का भी मिलेगा। ओके, जो पेपर 4 है, बाकी सब जो इंपॉर्टेंट पेपर 1, 2, 3, 4 पूरा क्वेश्चन इसमें विद इन वेट लिमिट काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखा है। तो इसका भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करते कोचिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह में प्रीवियस क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है करके। तो मैंने सोचा यार जो यूजफुल है आपके लिए बता दूँ मैं। और द ट्रिकी वन एक्चुअली, तो आपको पता है जो एक कंपलसरी पेपर रहता है इंग्लिश कंपलसरी रहता है और कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें सिर्फ पास मार्क चाहिए, उसका मार्क्स मेंस में काउंट नहीं होते। बट लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर एक प्रॉपरली देखता भी नहीं वो, मतलब उसका स्कोर अच्छा आता है नहीं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हुआ था इस पेपर में क्वालिफाई नहीं हुए, इसके वजह से वो मेंस में मेंस क्वालिफाई लाइक इंटरव्यू तक नहीं जा पाया एक्चुअली। तो आप एक मिस्टेक मत कीजिए, इंग्लिश कंपलसरी का छोटा सा बुक है, काफ़ी सस्ता बुक है, आपको 100 रुपये से कम में आपको मिलेगा। तो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, ये एक बार देखना आप एक बार। ओके, आप ये खरीदने का भी जरूरत नहीं, आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी साइट से डाउनलोड कर लो जो मैंडेटरी जो कंपलसरी पेपर, फिर देखो आप आंसर कर पा रहे हैं उसमें, कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक खरीद लो, फिर जो पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आंसर भी इन लोगों ने लिखा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग एसए पेपर, तो हमें पता है एसए का जो स्कोर 160-170 तक लोग स्कोर करते हैं, पर जो पेपर 1-4 में ना इसमें 110-180-190 उस रेंज में रहता है कितना भी लिखते हैं। तो जो स्कोर करने वाला चीज़ है लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि कोई स्टैंडर्ड बुक ही नहीं। तो एक 7 ईयर्स का एसए का पेपर सोल्व करके इसमें दिखा दिया है, तो आपको प्रिपरेशन के लिए छोटा सा बुक काफ़ी फायदा रहेगा। ओके, तो मेरा यही मतलब था इस बुक के बारे में, मतलब रिव्यू मैंने पहले कर चुका हूँ आप देख सकते हो, बट रादर दैन रिव्यू और रिव्यू इसका इंपॉर्टेंस आपका एग्जामिनेशन में कैसे अफेक्ट होने वाले हैं, आपको कितना हेल्प करने वाले, क्योंकि बुक तो हम पढ़ते जाएंगे हमें पता नहीं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीसी का माइंड कैसे होते हैं इस बुक के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ओके, यूपीसी में ऐसा तो देते एक साल में कोई क्वेश्चन डालते हैं फिर उसको निकालते हैं, प्राइवेट जैसा नहीं है, गवर्नमेंट चीज़ है, तो थोड़ा बहुत रिपीट क्वेश्चन आपको इसी से मिल ही जाएगा। और आप पूछेगा एक टेस्ट सीरीज तो दूसरा इंस्टीट्यूशन देते हैं, यार टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना ये मेंस क्वालिफाई किया होगा या लाइक प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा लाइक इंटरव्यू तो दिया होगा, वो लोग सेट करते हैं, बट उन लोगों को इतना आइडिया नहीं यूपीएससी का माइंड कैसे काम करता है। तो उससे वो आपको बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ता है, बट इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी कैसे लिखते हैं उसके बारे में आपको समझना आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और यूपीएससी रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको उसमें से एक्सेस कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिए, आप वीडियो का कमेंट में डाल सकता हूँ, और कोई भी चीज़ आपको रिव्यू करना चाहता हूँ मुझसे वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, एंड अगर आप अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यूपीएससी रिलेटेड स्ट्रैटेजीज जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है जो भी आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ यूपीएससी आसपास है हम उसका कुछ आइडियाज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ, ज़रूर आप obviously it will be useful for you, and once again thank you so much for watching this video and bye bye.